राजा के द्वारा एकादशी के दिन भोजन विषयक मोहिनी तथा ब्राह्मणों के वचन का खंडन, मोहिनी का कष्ट रुष्ट होकर राजा को त्याग कर जाना और धर्मांत का उसे लौट कर लाना एवं पिता से मोहिनी को दी हुई वस्तु देने का अनुरोध करना। वशिष्ठ जी कहते हैं मोहिनी की कही हुई बात सुनकर वे ब्राह्मण लोग ये ठीक ही हैं ऐसा कहकर राजा से बोले। ब्राह्मण ने कहा, राजन आपने जो ये पुण्यमयी शपथ कर ली है कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, वह निश्चय शास्त्र दृष्टि से नहीं अपनी बुद्धि से ही किया गया है। जो अग्निहोत्री है उसके लिए दोनों संध्याओं में भोजन का विधान है। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के लिए लोग यज्ञशिष्ट अन्न के भोक्ता बताए गए हैं। प्रभु जो सदा अस्त्र शस्त्र उठाए रहते हैं और दुष्ट पुरुषों को संयम में रखते हैं, ऐसे भूपालों के लिए विशिष्ट उपवास कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्र से या अशास्त्र से आपने इस व्रत के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणों के साथ भोजन करें उससे उसका व्रत भंग नहीं हो सकता। ये वचन सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध हुआ, पर वे उन ब्राह्मणों से मधुर वाणी में बोले, विप्रवरो, आप लोग सब प्राणियों को मार्ग दिखाने वाले हैं, अतः आपको जो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास का विधान करने वाले वचन को केवल यतियों और विधवाओं के लिए ही विहित बताते हैं वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवों का कहीं ऐसा मत नहीं है। आप लोगों ने जो ये कहा है कि राजाओं के लिए उपवास का विधान नहीं है, उसके विषय में मैं वैष्णवाचार लक्षण के वचन सुनता हूँ। आप लोग सुने, मदिरा कभी नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, धर्मज्ञ पुरुष को जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को रोक करके कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है? कौन सच्चेष्ट मनुष्य है जो एकादशी के दिन भोजन करे? उत्तर दिशा में रहने वाले विष्णु धर्मपरायण पुरुष ब्राह्मणों को तो उचित है कि वे एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न न दे। द्विजोत्तम, मेरा शरीर क्षीण रहे और मैं रोगी भी रहे नहीं हूँ। मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अतः ब्राह्मण के कहने मात्र से मैं एकादशी के व्रत का त्याग कैसे करूँगा? मेरा पुत्र धर्मांधद इस भूपल की रक्षा कर रहा है, अतः मैं लोक या प्रजा की रक्षा रूप धर्म से भी शून्य नहीं हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। द्विजवरो, ऐसा जानकर आप लोगों को वैष्णव व्रत का पालन करने वाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रत नाशक वचन नहीं कहना चाहिए। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, ब्राह्मण, हमारे पिता भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा अथवा मोहिनी के पिता श्री ब्रह्मा जी, सूर्य अथवा कोई लोकपाल स्वयं आकर कहे तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूँगा। द्विजो, इस भूपल पृथ्वी पर विख्यात ये राजा रुक्मांधक अपनी सच्ची प्रतिज्ञा को कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों, इंद्र का तेज क्षीण हो जाए, हिमालय बदल जाए, समुद्र सूख जाए तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग दे, तथापि मैं एकादशी के दिन उपवास रूप व्रत का त्याग नहीं करूँगा। विप्रगण, तीनों लोकों में ये बात प्रसिद्ध हो चुकी है और डंके की चोट से दोहराई जाती है कि जो लोग रुक्मांधक के गांव, देश अथवा तथा अन्य स्थानों में एकादशी को भोजन करेंगे वे पुत्र सहित दंडनीय एवं वंद्य होंगे और उसके लिए इस राज्य में ठहरने का स्थान नहीं होगा। एकादशी का दिन सब यज्ञों से प्रधान पापनाशक, धर्मवर्धक, मोक्षदायक तथा जन्मरूपी बंधन को काटने वाला है। ये तेज की निधि है और सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरह के शब्द की घोषणा होने पर भी यदि मैं एकादशी को भोजन करूंगा तो पाप का प्रवर्तक होऊंगा। मेरा व्रत भंग हो जाने पर मुझे जन्म देने वाली माता अपने को व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद, पुराण और शास्त्रों को नहीं मानता वह अंत में सूर्यपुत्र यमराज की भूमिपुरी में जाता है। जो वमन करके फिर उसे खाता है उसके समान वह भी है जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रत को भंग कर देता है। वेद शास्त्र, पुराण, संत महात्मा तथा धर्मशास्त्र कोई भी ऐसे नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रिय कार्य के योग्य एकादशी के दिन भोजन का विधान करते हो। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु के पद को देने वाला है। उस दिन क्षयाह तिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात मूढ़ पुरुष ही कह सकते हैं। राजा की बात सुनकर मोहिनी भीतर
ही भीतर जल उठी और क्रोध से आंखें लाल करके पति से बोली, राजन तुम मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। पृथ्वीपति, तुमने वर देने के लिए अपना धात सौंपा था, अपनी उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके यदि दिए हुए वचन का पालन न करोगे तो मैं चली जाऊंगी। नरेश, अब मैं न तो तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे पति। तुम अपने वचन को मिटाकर धर्म का नाश करने वाले हो, तुम्हें धिक्कार है। ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावल के साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेव जी को छोड़कर गई थी उसी प्रकार वह राजा को छोड़कर ब्राह्मणों को साथ ले उसी समय वहाँ से चल दी। उस समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मोहिनी हातात हा प्राण जगन्नाथ, जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले परमेश्वर मेरी सुध लो, इन शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करती हुई विलाप कर रही थी। इस समय धर्मांधक सारी पृथ्वी का परिभ्रमण करके घोड़े पर चढ़े हुए आए। उसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उन्होंने मोहिनी की वह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्मांधक बड़े पितृ भक्त थे। धर्ममूर्ति रुक्मांधक कुमार तुरंत घोड़े से उतर पड़े और पिता के चरण में समीप गए। उन्हें प्रणाम करके धर्मांधक ने फिर उठकर हाथ जोड़े उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजन, तदनंतर रोषयुक्त हृदय वाली मोहिनी को शीघ्र गति से बाहर जाती देख धर्मांधक बड़े वेग से सामने गए और हाथ जोड़कर बोले, माँ किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवी, तुम तो पिताजी को अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो गई? इन ब्राह्मणों के साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो? धर्मांधक की बात सुनकर मोहिनी बोली, बेटा तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देखकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता रुक्मांधक के साथ रहने का अब मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। धर्मांधक ने कहा, देवी तुम जो कहोगी उसे मैं तुरंत करूँगा। माँ तुम क्रोध न करो, तुम पिताजी को अधिक प्रिय हो, अतः उसके पास लौट चलो। मोहिनी बोली, वत्स, मुँह मांगा वरदान देने की शर्त रखकर तुम्हारे पिता ने मंदराचल पर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान शिव उसके साक्षी हैं, किंतु तुम्हारे पिता रुक्मांधक अब उस प्रतिज्ञा से गिर गए हैं। राजकुमार, मैं उससे सुवर्ण धन हाथी घोड़े गाँव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं मांगती हूँ जिससे उसकी अधिक आर्थिक हानि हो। देहधारियों में श्रेष्ठ बेटा धर्मांधक जिससे वे अपने शरीर को पीड़ा दे रहे हैं वही वस्तु मैं उससे मांगती हूँ, किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं। नृपनंदन, उन्हीं के शरीर की भलाई के लिए, उन्हीं के सुख के लिए मैंने वर मांगा है, किंतु वे नृपशेष उसे न देकर आज भयंकर असत्य के दलदल में फंस गए हैं। असत्य मदिरा पान के समान घृणित पाप है, इस कारण तुम्हारे पिता को मैं त्याग रही हूँ, अब उसके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। मोहिनी का यह वचन सुनकर पुत्र धर्मांधक ने कहा, मेरे जीते जी, मेरे पिता कभी झूठ नहीं हो सकते। वरानने, तुम लौटो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। देवी, मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है, फिर वे महाराज मुझ पुत्र के होते हुए असत्य कैसे बोलेंगे? जिनके सत्य पर देवता असुर तथा मानवों सहित संपूर्ण लोक स्थित है, जिन्होंने यमराज के घर को पापियों से शून्य कर दिया है, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल व्याप्त हो रहा है, वे ही भूपति भोपाल शिरोमणि असत्य भाषण में तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराज का वचन सुना नहीं है, फिर उसके परोक्ष में तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ? सुभान ने मुझ पर दया करके लौट चलो। राजन, धर्मांधक का ये वचन कथन सुनकर मोहिनी लौटी। सूर्य के समान तेजस्वी रुक्मांधक जिस सैया पर मृतक के समान लेटे थे उस पर धर्मांधक ने मोहिनी को बिठाया। वह सैया सुवर्ण से विभूषित अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उस पर बैठी गई तब धर्मांगत ने हाथ जोड़कर पिता से मधुर वचन में कहा, तात, ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही है। महाराज, इस पृथ्वी पर आप सत्यवादी क्यों होंगे? पृथ्वी पर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों द्वीपों समुद्रों से युक्त भूमंडल का शासन करते हैं, आपके पास खजाना है, रत्नों की राशि संचित है। प्रभो, ये सब आप उन्हें दे दीजिए और भी जो कुछ देने की प्रतिज्ञा आपने की हो वह दे दीजिए। पिताजी, अब जब मैं धनुष बाण धारण करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आचरण कौन कर सकता है? आप चाहे तो देवी को
इंद्रपद दे दीजिए और इंद्र को जीतता हुआ ही समझिए। ब्रह्मा जी का ये पद अत्यंत दुर्लभ है, वह योग्यों के ही अनुभव में आने योग्य तथा निरंजन है। यदि देवी चाहे तो मैं तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वह भी तुम्हें दे दूंगा। राजेंद्र, इस त्रिलोकी में जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होने से जो देने योग्य न हो वह भी मोहिनी देवी को दे दीजिए। ये चाहे तो मेरा अथवा मेरी जननी का जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोक में सदा के लिए उत्तम कीर्ति से सुशोभित होंगे।